दोस्तों मैं जो है आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ कि चीन जो है किस प्रकार से पूरी दुनिया को कर्जा देकर जो है पूरी तरीके से फंसा रहा है, और चीन जो है किस प्रकार से छोटे छोटे देशों को, किस प्रकार से जो देश गरीब हैं उन देशों को टारगेट करके जो है उसे अरबों खरबों डॉलर का कर्जा देते हैं। वहाँ पर जो है कोई भी रेल परियोजना के नाम पर या फिर और भी कोई प्रोजेक्ट के नाम पर, और कहने के प्रोजेक्ट के नाम पर जो है सबसे पहले चीन जो है छोटे छोटे देशों को कर्जा देता है। जो देश गरीब हैं, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है, उन देश की सरकारों को लालच देते हैं, और लालच के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर जो है चीनी सरकार, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और सी जिनपिंग जो है उन तमाम देशों को पहले कर्जा देते हैं, और कहीं ना कहीं कर्जा देने के बाद जो है उन तमाम देशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मालदीव एक छोटा देश है और कहने का एक गरीब कंट्री है, और चीन जो है पूरी तरीके से मालदीव को अपने कर्ज की जाल में इस तरीके से फंसा लिया है कि मालदीव की सरकार जो है चाहकर भी चीन के इस जाल से नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर जो है चीन का करोड़ों अरबों डॉलर का कर्जा है। और हम सभी को पता है कि मालदीव एक छोटी कंट्री है, छोटा देश है, और कहने का उसकी आबादी भी बहुत कम है, और वह एक गरीब कंट्री है, और कहना कहीं हम सभी को पता है कि चीन जो है सिर्फ छोटे छोटे देशों के, जो देश जो है गरीब है, जो देश छोटा है, उन तमाम देशों को कर्ज में देकर वहां पर पूरी तरीके से फंसा लेता है। मैं कई वीडियोस में आप लोगों को बताया भी हूं, और इसी तरह से जो है श्रीलंका के साथ भी हुआ था, नाइजीरिया के साथ, और भी कई देशों के साथ ऐसा हुआ था घटना, और यहां पर अब जो है मालदीव के साथ ऐसा हो रहा है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर जो मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि नसीद ने ऐसा कहा है कि चीन का कर्जा जो है मालदीव के ऊपर इतना ज्यादा है कि चीन का कर्जा को जो है अगर चुकाना है मालदीव सरकार को, तो अगर मालदीव के तमाम लोग जो अपनी दादी माँ के कंगन को भी अगर बेच दे तो फिर भी जो है चीन की कर्जा को वह नहीं चुका सकता है। सोचिए इतनी बड़ी बात है, और कहना क्या इसको लेकर मैं कई वीडियो भी बना चुका हूँ, और पूरी दुनिया के लोगों को यह मैं बताना चाहता हूँ कि चीन की जो नीति है पूरी तरीके से विस्तारवादी है, और वह छोटे छोटे देशों को टारगेट करता है उसे कर्जा दे करके उसे हथियाने के लिए, और इसी जाल में अभी जो है पूरी तरीके से फंस चुका है मालदीव सरकार और मालदीव। तो दोस्तों जिस प्रकार से जो है मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री नसीद ने ऐसा कहा है कि अगर मालदीव के तमाम लोग जो है अगर अपनी माँ की, अपनी दादी माँ के कंगन को भी बेचकर अगर चीन के कर्जों को चुकाना चाहे तो नहीं चाह सकता है। क्यों दोस्तों, आखिर हम बात करते हैं कि आखिर मालदीव जो है चीन से इतना ज्यादा कर्जा क्यों लिया, चीन आखिर मालदीव को इतना ज्यादा कर्जा कैसे दिया और किस प्रोजेक्ट के तहत दिया। दोस्तों चीन जो है एक प्रोजेक्ट चलाता है जिसका नाम है ड्रीम प्रोजेक्ट वेल्ट। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के नाम पर जो चीन बहुत सारे देशों को कर्जा देती है, वहां पर जो है रोड परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए, वहां पर जो है विकास करने के लिए उस देश को, जो देश गरीब होते हैं, इस प्रोजेक्ट के नाम पर जो है उस देश की सरकार को पूरी तरीके से चीन फंसा लेता है, और कहीं ना कहीं उसे भारी भरकम कर्जा देती है, और कहीं ना कहीं शुरू में जो है इस कर्जा को जो है वह बहुत कम ब्याज देता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वहाँ पर ब्याज वह बढ़ाते जाता है और पूरी तरीके से चीन जो है ऐसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर मालदीव जो है चीन से इतना ज़्यादा कर्जा लिया कैसे, और चीन जो है किस प्रकार से मालदीव को इतना ज़्यादा कर्जा दिया। तो दोस्तों 2013 में यानी कि जब जो है अभी दूसरा सरकार है मालदीव में, लेकिन उससे पहले जो मालदीव की सरकार थी उसका जो प्रधानमंत्री था वहाँ का, उसका नाम था अब्दुल्ला, और कहीं ना कहीं वह जो है ऐसा माना जाता था कि चीन का समर्थक था, और कहीं ना कहीं इसी के नाम पर जो है चीन का समर्थन होने के नाम पर, चीन का समर्थक होने पर जो है वह जो है चीन से एक डील किया कि चीन जो है बहुत सारे ऐसी कंपनी थे मालदीव के जो डूब रहे थे, और कहने का उन तमाम कंपनियों को जो है चीन ने कर्जा देकर बचा लिया, और कहने का चीन जो है भारी भरकम कर्जा दिया उन तमाम कंपनियों को मालदीव के, और कहने का मालदीव के सरकार को, ताकि जो है मालदीव जो है एक विकसित कंट्री बन सके और मालदीव आगे बढ़ सके। लेकिन उस समय जो है सरकार दूसरा थी, और जैसे ही मालदीव में फिर सरकार चेंज हुई तो अब इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है मालदीव पर कि मालदीव की सरकार इस कर्जे को बहुत मुश्किल से अदा कर रही है। और यहाँ पर ऐसा जो है ऐसा आया है खबर सामने कि मालदीव की जो टोटल अर्थव्यवस्था है, टोटल जो इकोनॉमी है वह 5 अरब डॉलर का है, और कहीं ना कहीं 5 अरब डॉलर जो उसकी कुल अर्थव्यवस्था है उनमें से 3.1 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ जो है चीन को कर्जा देता है। यानी कि दोस्तों अपनी आय का, यानी कि मालदीव सरकार की जितनी भी आय होती है उसका 53% भाग, यानी 53% भाग जो है उसे सिर्फ और सिर्फ चीन के कर्जे को चुकाने में लग जाता है। यानी कि दोस्तों चीन जो है पूरी तरीके से
मालदीव को अपने जाल में फंसा चुका है पूरी तरीके से, अपने कर्ज के इस माया जाल में, बोलते हैं ना माया जाल, जो माया जाल एक ऐसी जाल होती है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जिस प्रकार से एक मछली अगर मछुआरे के जाल में फंस जाता है तो वह मछली जो है चाहकर भी उस जाल से नहीं निकल पाता है, तो उसी प्रकार जो है चीन मालदीव को जो अपने जाल में, अपने माया जाल में इस तरीके से फंसा चुका है कर्ज के नाम पर कि मालदीव की सरकार चाहकर भी अब उस कर्ज के से नहीं निकलता है, नहीं निकल सकता है, उस जाल से नहीं निकल सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि मालदीव की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ रही है, वहां पर लोग जो है चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, चीनी सामान का बहिष्कार भी कर रहा है क्योंकि मालदीव को चीन पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है कर्ज के नाम पर। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान को चीन अपना उपनिवेश बना लिया है, हम लोग एक हिसाब से बोल सकते हैं, जिस प्रकार से चीन जो है श्रीलंका को भी भारी भरकम कर्जा देकर उसे बर्बाद किया, तो उसी प्रकार से अभी मालदीव को भी कर रहा है, वहां पर भारी भरकम कर्जा दे रहा है और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कर्जा दे चुका है कि मालदीव सरकार जो है बड़ी मुश्किल से चीन की इन तमाम कर्जों को जो है अदा कर रही है। उसकी टोटल आय का 53% भाग जो है सिर्फ और सिर्फ चीन की कर्जे को उतारने में लग रहा है, ऐसा कहा है वहां की पूर्व प्रधानमंत्री ने। आप लोग ट्वीट को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा है। अब दोस्तों बात सामने यह निकल कर आती है कि चीन आखिर पूरी दुनिया को जो है क्यों कर्जा देकर अपने जाल में फंसा रहा है। दोस्तों मैं इसके ऊपर जो कई वीडियोस को बना चुका हूं और कहीं ना कहीं मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि देखिए चीन की नीति विस्तारवादी है, वह छोटे छोटे देशों को, गरीब देशों को, गरीब कंट्रीज को जो है जाल में इसलिए फंसाता है क्योंकि चीन जो है दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है। और कहीं ना कहीं चीन यह भूल रहा है कि दुनिया का सुपर पावर अगर वह बनना चाहता है तो दूसरे देशों को बर्बाद करके कभी भी वो सुपर पावर नहीं बन सकता है, बल्कि सुपर पावर अगर उसे बनना है तो दूसरे देशों की उसे मदद करनी होगी, उसकी हेल्प करनी होगी, ना कि उसे बर्बाद करना होगा। अगर उसे बर्बाद करना है तो चीन कभी भी सुपर पावर दुनिया का नहीं बन सकता है। और कहीं ना कहीं इसी कारण जो है चीन पूरी दुनिया को आज अपने जाल में फंसा रहा है, पूरी दुनिया को कर्जा देकर के अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।